किया था, मतलब शायद। मैं स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। लर्निंग ऐप के अंदर सारे वीडियो स्टोर रहेंगे, ऑल वीडियोस या ऑल लेक्चर्स। तो कभी भी अगर रिवाइज करना है तो कर सकते हो। 10 to 15 क्वेश्चन के टेस्ट एवरी डे मंडे टू फ्राइडे तुमको मिलेंगे। ये टेस्ट जैसे ही तुम कंप्लीट करोगे उसका एक टाइमर भी रहेगा, तो जैसे वो टाइमर कंप्लीट होगा ना तो ऑटोमेटिक विंडो बंद हो जाएगा। तो लाइक से अगर मैंने टेस्ट दिया 10 क्वेश्चन 10 मिनट, तो 10 मिनट जैसे ही खत्म होगा तो इसका टाइमर का विंडो खत्म हो जाएगा। तो जो भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो तुरंत तुमको मिल जाएगी कि 10 में से तुमने 8 अटेम्प्ट किया है और उसमें से 7 करेक्ट और वट एवर द स्कोर इज, ठीक है ना, ये मिल जाएंगे। उससे क्या होगा ना, तुमको भी पता चलेगा, मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि हाउ आर यू शेपिंग अप इन टर्म्स ऑफ द एकेडमिक्स। मान लो अगर कहीं पे मुझे दिख रहा है कि कई बच्चों के नंबर कम आ रहा है, यानी फिर मैं भी समझ जाऊंगा कि ये जो टॉपिक है जिसके ऊपर टेस्ट लिया जा रहा है उस टॉपिक में अभी बच्चों को थोड़ा सा रिविजन का जरूरत है, तो मे बी आई कैन रिवाइज बेस्ड ऑन दैट। और अगर मान लो मैं देख रहा हूँ कि सबके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो देन इट विल बी बिकमिंग इजियर फॉर मी टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, यानी ये टॉपिक तुम लोगों का ठीक ठाक आ रहा है, ठीक है ना। दैट्स ऑल। तो दैट्स ऑल। तो 10 to 15 क्वेश्चंस टेस्ट एवरी डे मंडे टू फ्राइडे। एक वीकेंड में टेस्ट रखेंगे ऑल्टरनेट, तो वीकेंड टेस्ट लेकिन रहेगा सारे सब्जेक्ट के कम्बाइंड। That would be a combined test, ठीक है ना। तो वीकेंड टेस्ट विल बी अ कंबाइंड टेस्ट। कंबाइंड टेस्ट मतलब क्या है कि चाहे तुम फिजिक्स के लिए ज्वाइन करो, चाहे तुम केमिस्ट्री के लिए ज्वाइन करो, चाहे तुम मैथ्स के लिए ज्वाइन करो, चाहे तुम बायोलॉजी के लिए ज्वाइन करो या नहीं करो, दैट्स योर चॉइस। लेकिन ये जो टेस्ट रहेगा ये 1.5 घंटे का रहेगा, आइदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर तुम नॉन मेडिकल के हो, और अगर मेडिकल के हो तो इन दैट केस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये कंबाइंड टेस्ट। ये भी ऐप के अंदर होगा, ठीक है। और अगर ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो इन दैट केस अपफ्रंट होगा, मतलब ऑफिस में बैठ के या क्लास में बैठ के टेस्ट दोगे। तो दैट वुड बी मोर ऑर लेस द स्ट्रक्चर। और जितने भी सारे इकट्ठे के कलेक्टेड रिपोर्ट्स है ये सब ऐप के अंदर विजिबल होंगे। सो व्हेनेवर यू वांट टू लेट्स से नो कि कौन कौन से टॉपिक्स पे मेरे नंबर कम आए थे, वो सारा हिस्ट्री पूरा स्टोर्ड रहेगा। सो एट एनी टाइम यू कैन एक्सेस एंड फाइंड आउट योर ओन परफॉर्मेंस रिपोर्ट एज वेल। प्लस अगर मान लो पेरेंट्स भी चाहते हैं जानना कि हाउ आर द टेस्ट बीइंग कंडक्टेड या हाउ मेनी टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड या उन टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसे रहा एंड ऑल, तो दोज आल्सो द पेरेंट्स कैन नो ऑल इन द लर्निंग ऐप इटसेल्फ। वैसे तो इस ऐप के बारे में मोरले सबको पता ही है आजकल, क्योंकि कॉमन ऐप है, ऑलमोस्ट हर जगह यूज हो रहा है, तो मैंने कोई अलग से ऐप नहीं है, वही कॉमन वाला ही ऐप है। तो उसके अंदर जो फैसिलिटीज है मैंने ऐसे जस्ट एक ब्रीफ दे दिया, दिस इज व्हाट यू विल गेट इन द लर्निंग ऐप, ठीक है ना। सर व्हाट इज द नेम ऑफ द लर्निंग ऐप? हाँ बेटे, हाँ बेटे, कुछ पूछ रहे थे सर, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप? वैसे तो नाम है फंडास, बट इसको तुम उसमें सर्च कर सकते हो, ठीक है ना, उसको सर्च कर सकते हो। लेकिन अभी इंस्टॉल मत करो क्योंकि उसमें ना 3 फोन नंबर के साथ इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉल करना चाहो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट बैच के अंदर डालने के लिए मुझे जो है ना थोड़ा टाइम देना। उसमें 3 फोन नंबर्स चाहिए होता है, या एटलीस्ट 2 नंबर्स तो चाहिए। 2 पेरेंट्स के होंगे और 1 स्टूडेंट के होंगे, सो दैट द पेरेंट्स कैन आल्सो एक्सेस द ऐप एंड नो द डिटेल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल द ओके सर, ठीक है। तो अभी वैसे ही प्ले स्टोर में स्टोर कर सर्च कर सकते हो, मिल जाएंगे। इस नंबर पे आई होप कि मैसेज कर चुके होंगे। यस सर, ठीक। चलो लेट्स स्टार्ट अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन फॉर द डे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द टॉपिक ऑफ वेक्टर्स। फाइन। फॉर्चुनेटली थैंक्स टू आजकल के सारे एक्स्ट्रा क्लासेस एंड जॉइनिंग हियर एंड देयर, लोगों को लगभग मालूम है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। मैं इसलिए वेक्टर क्या होता है इस सवाल पे जा ही नहीं रहा, ये ऑलमोस्ट सबको पता रहता है। मैं एक दूसरा सवाल पूछूंगा और उस सवाल के बेसिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, एंड दैट इज, कई बार कुछ पूछो तो लोगों को बड़ा फनी लगता है, ठीक है। चलो मनन बताओ तुम कि इसका आंसर क्या है। 14। 14, चलो ठीक है, मैं लिख देता हूं। आई होप जय एंड गौरी विल आल्सो एग्री। यस सर, यस बिल्कुल। अब तुम लोग इतना आसान क्वेश्चन पूछोगे, आफ्टर ऑल हम 10th पास करके आए हैं या 10th पास करने जा रहे हैं, और आप तो क्लास 1 वाला सवाल पूछ रहे हो, लगता है आपने 0 नेग्लेक्ट कर दिया होगा। ऐसा नहीं है, मैं इस सवाल को बड़े फंडामेंटल नजर से देख रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल हल्का सा अलग है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मेरा सवाल ये है कि ये क्या,
ठीक है ना, ये सवाल मैं पूछूंगा जय से कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस जय सर, प्लस साइन एडिशन, प्लस साइन, व्हाट डू यू मीन बाय प्लस साइन सर, वी हैव टू ऐड, ऐड, व्हाट डू यू मीन बाय ऐड सर, प्लस, अरे अब ये तो नहीं चलेगा ना कि मैं बोलूंगा प्लस क्या होता है तुम बोलोगे ऐड, ऐड क्या होता है तुम बोलोगे प्लस, ये तो नहीं चलेगा ना, सो देयर हैज टू बी सम वे ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हाट एम आई डूइंग, तो क्या बोलोगे सर, एडिशन नहीं वो तो ठीक है, बट व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन, यही तो सवाल था, कंबाइनिंग सर, सम ऑफ दैट, सम, कंबाइनिंग, देखो एक वर्ड मैंने पूछा है मीनिंग, तो उसके लिए तुम लोग अलग अलग वर्ड्स यूज करो, अब तुम अगर बोलोगे कि ऐड मतलब होता है सम, फिर मैं अपना क्वेश्चन बदल दूंगा, मैं बोला अच्छा चलो ठीक है बताओ कि सम क्या होता है, यानी मैं छोड़ूंगा नहीं है या नहीं, और अगर मैं ऐसे सवाल पूछूंगा तो यू विल बी नेचुरली दिस थिंग कि अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही फंडामेंटल, इसका जवाब कैसे दे, हमें आता है पर हम कैसे समझाएं कि हमें आता है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम जनरली, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो टू द फंडामेंटल आइडिया कि ये कर क्या रहा है ना, ऐड का मतलब क्या होता है, समिंग अप का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट, नो यू माइट से कि आप तो बोले थे वेक्टर कराओगे, फिर ऐड माइनस ऐड प्लस प्लस ये कहां चले गए, तो देखो क्लास 10 तक तुम लोगों ने जो मैथमेटिक्स सीखा है मैं उस मैथमेटिक्स को काफी बदल के समझाने वाला, और ऐसे नहीं कि तुमको नहीं पता, तुमको पता होगा, ये मैं एक बार दोबारा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय ऐड, ऐड का मतलब क्या होता है, एडिशन का मतलब क्या होता है, एडिशन इज अ प्रोसेस, इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सिंगल क्वांटिटी, एडिशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सिंगल क्वांटिटी which has the same effect as the quantities or processes, actually quantity or process which has the same effect as the quantities of processes being added. हाँ बेटे, सपोज मैं एक दुकान में गया और वहां पे मुझे चॉकलेट खरीदना है, तो मैं 8 चॉकलेट खरीदा, अब मैं जानबूझ के यही नंबर्स यूज कर रहा हूं, मैंने 8 चॉकलेट खरीदा और मैं दुकान से निकल ही रहा था तो घर से फोन आ गया कि वो ना जो बगल वाले कॉलोनी से जो फ्रेंड्स नहीं आने वाले थे ना वो भी अब डिसाइड कर रहे हैं कि आ रहे हैं तो उनके लिए भी चॉकलेट ले आई, बोले चलो ठीक है, ठीक है ना, चलो ठीक है, अभी एक और लॉगिन हो रहा है जैसे, चलो एनीवे, तो मैं बोला चलो ठीक है 6 चॉकलेट और चाहिए तो मैं दोबारा चला गया, यानी देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने दुकान में पहले 8 चॉकलेट खरीदा, फिर किसी वजह से मुझे दोबारा जाना पड़ा, मैंने फिर 6 चॉकलेट खरीदा, यानी बेसिकली क्या हो ना, अब मेरे पास 14 चॉकलेट्स है, मैं से, हाँ, ये तो इतना ऑब्वियस है, इसमें कौन सी नई बात ना, जरा समझो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यही इंफॉर्मेशन कि 6 बच्चे और बगल वाले कॉलोनी से आने वाला है, 8 तो आ चुके हैं, उनके लिए चॉकलेट्स लाना था मुझे और 6 और आने वाले हैं, ये इंफॉर्मेशन अगर 10 मिनट पहले मिला होता तब तो मैं सीधा 14 ही चॉकलेट्स खरीदता ना, अरे पॉइंट, तो देखो 8 चॉकलेट और 6 चॉकलेट अलग अलग ना खरीद के मैं एक ही बार में 14 चॉकलेट्स खरीदता और मैं जो है सेटिस्फाई कर देता अपने जो भी बच्चे बच्चे को जो भी आना था एंड सो ऑन, यानी 8 एंड 6 या 8 फॉलोड बाय 6 हैज द सेम इफेक्ट एज वन ट्रांजैक्शन ऑफ 14 चॉकलेट्स, सो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ एडिशन, राइट, से हाँ ठीक है अब हमारे एडिशन को थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड तरीके से कह रहे हो, बट है तो वही चीज ना जो हमने कहा है, द आंसर इज अगेन द सेम, नॉट एग्जैक्ट, बता दो क्यों, तो इसका मतलब क्या, एडिशन हुआ क्या, फाइनली एडिशन हो गया कि एक चीज है फिर कोई चीज और है फिर एक चीज और है फिर एक चीज और है, इन सबको
इन सब का सिंगल इफेक्ट इज व्हाट इज एडिशन, या सिंगल क्वांटिटी फाइंड आउट करना इज एडिशन। अब मैं एक दूसरे एग्जांपल में जा रहा हूं। सपोज मैंने 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया इधर, डिस्प्लेसमेंट तुम लोग सब जानते हो, तो 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया और लेट अस से मैंने लेफ्ट टर्न कर गया और 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया सपोज। अब बताओ अगर मुझे इसको एडिशन के टर्म्स में लिखना होगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा, 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट फॉलोड बाय 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट सिमिलर टू 8 चॉकलेट्स फॉलोड बाय अनदर 6 चॉकलेट्स। ऐसे ही तो है ना, यहां पे 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट फॉलोड बाय अनदर 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट। Now, if it is at 90 degree, then can you tell me what will be the net displacement? Maybe Raghav can join. Raghav? 10 meter. 10 meter. Jay? So 10 meter. 10 meter. Jay, tu batao ki 10 meter nikala kaise? Sir, Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Isn't it so simple? Yes, I know. But what I'm trying to point out to you is that अगर मुझे इसी को लैंग्वेज में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ना 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट फॉलोड बाय 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ ये तो लैंग्वेज में हो गया, इसमें भी तो ऐसे लिख सकता था ना, 8 चॉकलेट्स फॉलोड बाय अनदर 6 चॉकलेट्स इज एज गुड एज 14 चॉकलेट्स, पर यहां तो ऐसे नहीं हुआ ना। इसी को अगर मुझे वेक्टर इसी वेक्टर क्वांटिटी को अगर मुझे एडिशन फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 8 मीटर वेक्टर प्लस अ 6 मीटर वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 14 बट अ 10 मीटर वेक्टर, यानी 8 प्लस 6 10 भी हो सकता है, 8 प्लस 6 10 भी हो सकता है। ये प्योरली डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या है। मैं इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाता हूं जिसमें आंसर मोर देन 10 भी हो सकता है। कैसे, नहीं काम करो 8 मीटर ऐसे जाओ और अच्छा चलो ठीक है, ये जो 6 मीटर ऐसे गया है, ये ऐसे ना जाके अगर ऐसे गया होता तो अब बताओ, अब आंसर 10 से ज्यादा होता, 10 से कम होता या 10 होता? ज्यादा, 10 से ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा, बट दैट डज नॉट मीन कि ज्यादा ही होगा, हमेशा 10 भी हो सकता है, 10 से ज्यादा भी हो सकता है, 10 से कम भी हो सकता है। अगर ये 6 मीटर इधर गया होता तो ये तो 10 से ज्यादा वाला हो गया, ये 10 वाला हो गया, और ये देखो 10 से कम भी हो सकता है, यानी 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट और 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऐड करके कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 10 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और 10 से थोड़ा कम भी हो सकता है, यानी आंसर तो देना ही मुश्किल हो गया। अब जरा फंडामेंटली सोचो कि क्यों मुश्किल हो रहा है, 8 चॉकलेट और 6 चॉकलेट में इतना प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रहा है, कंट्रोवर्सी क्यों नहीं आ रहा है और इसमें क्यों आ रहा है? There is only one and one reason, and that is direction. ये सब direction के वजह से हो रहा है। अगर ये 8 मीटर जाके अगर उसी direction में 6 मीटर गया होता तो आंसर 14 मीटर भी होता। जैसे 8 मीटर गया और 6 मीटर उसी direction में चला गया, यानी उसी direction में चला गया। देख लो direction हर बार मुझे बताना पड़ रहा है, तो in that case आंसर 14 भी हो सकता था। और अगर 8 मीटर जाके 90 डिग्री पे चला गया तो 10 मीटर आ गया, 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा पे चला गया तो 10 से ज्यादा, 90 डिग्री से थोड़ा कम पे आ गया तो 10 से कम। हर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। एक एक केस में आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, एंड दैट इज डायरेक्शन। यू माइट से आपने वेक्टर से स्टार्ट किया, आप कहीं और चले गए, डायरेक्शन क्यों गए? क्योंकि सपोज मैं तुमको अगर बोलता हूं कि हमारे स्कूल में इतने चेयर्स है, अब इनको कैटेगराइज करो। सपोज मैं तुमको टास्क देता हूं तो तुम कैसे कैटेगराइज करोगे? नो, तुम बोलोगे ये तो बड़ा कठिन टास्क बता दिया, पहले यार्डस्टिक तो बताओ। ध्यान से सुनना मेरा आंसर, पहले यार्डस्टिक तो बताओ। जैसे छोटे बच्चों का चेयर, मीडियम बच्चों का चेयर, बड़े बच्चों का चेयर, ऑफिस चेयर, फिर वर्मा जी बैठते हैं हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, तो डायरेक्टर्स चेयर, तो इस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, यानी साइज के हिसाब से कैटेगराइज किया जा सकता है। तो अगर मैं बोलूंगा चेयर्स को कैटेगराइज करो तो वन यार्ड स्टिक कुड बी साइज ऑफ द चेयर,
मेटेरियल के बेसिस पे भी कर सकते हो, लोहे का चेयर, स्टील का चेयर, वुड का चेयर, प्लास्टिक का चेयर वगैरह वगैरह। अब देख रहे हो चेयर्स को कैटेगराइज करने के लिए सबसे पहले डिसाइड करो कि यार्ड स्टिक क्या यूज करो। सिमिलरली साइंटिस्टों को चॉइस दिया गया कि इतने सारे फिजिक्स के क्वांटिटीज हैं, इनको कैटेगराइज करो तो क्या यार्ड स्टिक यूज किया जाए। तो देखो जब कोई यार्ड स्टिक यूज करोगे तो वो ढंग के होने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, सपोज फिजिक्स का एक क्वांटिटी है टाइम, फिजिक्स का क्वांटिटी है मोमेंटम। तो मैं टाइम को एक तरफ रखता हूं, मोमेंटम को एक तरफ रखता हूं, क्यों ना मैंने यार्ड स्टिक यूज किया कि यू नो इसमें मास है इसमें मास नहीं, ये भी एक यार्ड स्टिक हो सकता है। वेट, मोमेंटम, फोर्स, इनमें देखो हर जगह मास का इन्वॉल्वमेंट है, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, इसमें मास इन्वॉल्व नहीं है। तो मास वाले और बिना मास वाले ऐसे भी कैटेगराइज कर सकता हूं मैं। लेकिन ये बड़ा फ्लिमजी कैटेगराइजेशन है, कोई मजेदार कैटेगराइजेशन नहीं है। तो साइंटिस्टों ने काफी सोच के सारे फिजिक्स के क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया, एक है वेक्टर और एक है स्केलर। प्राइमरीली दो में कैटेगराइज किया, एक है वेक्टर और एक है स्केलर। वेक्टर वो वाले क्वांटिटीज है जिसमें डायरेक्शन जरूरी है बताना, और स्केलर वो वाले हो गया जिनमें डायरेक्शन ना बताओ तो भी चलेगा। अगर मैं बोलता हूं कि 8 चॉकलेट खरीदा तो तुम ये नहीं पूछने वाले हो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नहीं पूछने वाले हो। पर अगर मैं तुमको बोलूंगा कि मैं घर से निकल के 2 किलोमीटर दूर हूं, मेरे पास आ जाओ, तो तुम 2 किलोमीटर दूर नहीं आ पाओगे अगर डायरेक्शन नहीं पता है। क्या करोगे, पहले इधर जाओगे फिर उधर जाओगे, ढूंढते रहोगे क्या मेरे पास, या मुझे मेरे पास आने के लिए ढूंढते रहोगे क्या मुझे। यानी देखो अगर मैं तुमको 2 किलोमीटर बताता हूं सिर्फ, और मैं कहता हूं कि मेरे पास आ जाओ, मैं घर से 2 किलोमीटर दूर हूं, यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, या यहाँ पे जो भी काम है वो कर रहा हूं मैं अभी, तो तुम मेरे पास नहीं आ पाओगे अगर तुमको डायरेक्शन नहीं पता है। अब देख लो 8 चॉकलेट में डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 2 किलोमीटर दूर घर से हूं मैं, वहां पे अगर तुमको ढूंढना है तो डायरेक्शन जरूरी है। देख लो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस। इसलिए साइंटिस्टों ने विदाउट डायरेक्शन और विद डायरेक्शन यू नो क्वांटिटीज को कैटेगराइज कर लिया। बट देन यू माइट से कि डायरेक्शन के इतना भी क्या अहमियत, ठीक है उसमें डायरेक्शन का जरूरत है इसमें डायरेक्शन जरूरत नहीं है, इतना भी क्यों अहमियत दिया गया है। अहमियत दिया गया है, इंपॉर्टेंस दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस। क्लास 10 तक जो मैथमेटिक्स तुम लोगों ने सीखा है दैट इज कॉल्ड अ स्केलर एडिशन, सॉरी स्केलर मैथमेटिक्स। वहां पे 8+6 का एक ही आंसर होगा 14, लेकिन वेक्टर में 8+6 के हजारों करोड़ों आंसर हो सकता है। वाई? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। यानी इतना सिंपल सा क्वेश्चन 8+6 वेक्टर अगर होगा तो आंसर नहीं दे सकते। नॉट ओनली दैट, यही प्रॉब्लम माइनस में भी आता है। इनफैक्ट इस डिस्कशन के एंड में मैं एक सवाल पूछूंगा, इज दैट मनन बताओ बेटे ये क्या है, इसका आंसर क्या है? 48 गौरी आंसर 48 मुझे बड़ा दुख हो रहा है। बोला अरे हमने करेक्ट आंसर दिया, आपको दुख क्यों हो रहा है? मैंने अभी क्या बताया कि अगर देखोगे मैथमेटिक्स जो तुम लोगों ने सीखा है क्लास 10 तक, वो सब स्केलर मैथमेटिक्स है जिसमें 8+6 का एक ही आंसर हो सकता है, वो है 14। लेकिन फिर मैंने क्या बताया, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये सिर्फ स्केलर के लिए वैलिड है। वेक्टर अगर होगा इन दैट केस 8+6 का आंसर हम दे ही नहीं सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आंसर तो देख ही लिया ना, 8+6 10 भी तो हो सकता है ना, इसमें कोई गलत तो नहीं था ना। ये देखो 8+6 इज 10 मीटर जैसे इस केस में। हाँ तुम बोलोगे लेकिन ये क्या अजीब सा एडिशन है, अजीब सा नहीं है, इट इज जस्ट दैट मैंने इसको अच्छे से लिखा नहीं। एक्चुअली वो 8 मीटर वेक्टर होगा, 6 मीटर वेक्टर होगा, 10 मीटर वेक्टर होगा, पर चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक आइडिया तो बन गया ना कि 8 और 6 को ऐड करके 10 भी आ सकता है। यानी अब से आज से ये डिसाइड कर लो कि कोई भी अगर तुमसे कितना भी सिंपल क्यों ना क्वेश्चन पूछ ले, जवाब नहीं देना, इंक्लूडिंग दिस। नाउ यू माइट से फिर हम क्या करें, हम चुपचाप बैठे रहे, लोग मजाक उड़ाएंगे कि 18x6 भी नहीं आता है। नहीं जी, पहले सुन लो, अगर मैं तुमसे पूछता हूं 18x6 तो जवाब मत दो, सवाल पूछो कि सर जी ये बताओ कि हमें स्केलर का पूछ रहे हो आंसर या वेक्टर का।
तो अगर मैं बोलूंगा स्केलर, तब लो जी फटाफट आंसर दो 48, कोई दिक्कत नहीं है, 8 × 6 स्केलर में हमेशा 48 होगा। लेकिन अगर वेक्टर होगा तो 8 × 6 कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग जीरो। नॉट ओनली दैट, 8 × 6 -20 भी हो सकता है। अच्छा माइनस कैसे हो जाएगा, 8 पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करके नेगेटिव कैसे चला जाएगा। सब कुछ हो सकता है, जहां डायरेक्शन आ गया यानी वेक्टर आ गया, वहां पे जितने भी हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स सीखा है सब इनवैलिड है। इसके लिए एक नया मैथमेटिक्स हमें सीखना पड़ेगा, एंड दैट इज वेक्टर मैथमेटिक्स। आई एम श्योर थैंक्स टू एक्स्ट्रा क्लास दिस दैट, कईयों ने, हो सकता है तुम लोगों ने, सब लोगों ने, या हो सकता है कि इनमें तुम लोगों में से 2-4 जने ने ऑलरेडी सीख लिया होगा थोड़ा बहुत वेक्टर के ऊपर। बट जो भी है, मैं तो ये अज्यूम नहीं करूंगा कि तुम लोगों ने ऑलरेडी सीख के आए हो, तो मैं तो फंडामेंटल तरीके से चलूंगा। यानी आज हम लोग सीखेंगे वेक्टर एडिशन सबसे पहले, बट वेक्टर एडिशन के पहले थोड़ा सा इसको अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जाए कि वेक्टर फाइनली होता क्या। तो वेक्टर आर ऑल दोस फिजिकल क्वांटिटीज, यानी वेक्टर आर ऑल दोस फिजिकल क्वांटिटीज which need both direction and जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए फॉर एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेस कैसे करते हैं, है ना, तो आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, बट रिप्रेजेंटेशन के पहले एक काम करते हैं, रिप्रेजेंटेशन के पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। जितने भी हमने 9th और 10th में फिजिकल क्वांटिटी सीखा है, फटाफट कैटेगराइज करो एज वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्केलर वेक्टर। ठीक है, एक काम करो, चलो राघव शुरू करो, जितने भी क्वांटिटीज तुमने 9th में सीखा है उसको स्केलर और वेक्टर में कैटेगराइज करो। तो स्टार्ट करो फ्रॉम 9th मोशन वाला चैप्टर। सर हमने लिखे हुआ है पहले, सर पहले लिखे हुआ है। कब लिखे थे? सर संडे को जब आपकी क्लास थी। अच्छा, तुम आए थे उसमें? यस सर। अलग से बता दूंगा क्लास, अगर तुम रिवाइज करना चाहते हो तो बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अदरवाइज यू माइट ऑल्सो स्किप इट। ठीक है ना, पर अगर आज स्किप करता हूं तो संडे को आऊंगा। हाँ, उसके बाद फिर संडे आना है, मतलब अगर कोई अगर एक्स्ट्रा रखता हूँ मैं तो मैं नोटिफिकेशन देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो ओके बेटे। हाँ, तो स्केलर से शुरू करते हैं और वेक्टर से शुरू करते हैं। क्लास 9th में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, देखो क्लास 9th में हमने सीखा है अबाउट डिस्टेंस, मतलब मोशन चैप्टर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब फटाफट स्टार्ट करो, मे बी जय कैन स्टार्ट। यस जय। यस सर। स्केलर में डिस्टेंस, ठीक है, और स्पीड, स्पीड, टाइम, टाइम सर, और वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब इस चैप्टर में तो ये सीखा है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमने सीखा है फोर्स और मोमेंटम, है ना, तो फोर्स और मोमेंटम किधर जाएगा सर? दोनों वेक्टर में। बिल्कुल, यानी हो गया फोर्स, ये हो गया मोमेंटम। अगले चैप्टर में हमने सीखा है अबाउट एनर्जी और वर्क, तो ये वाला आंसर दो, मे बी जय आंसर दो, वर्क और एनर्जी। जय, अच्छा जय, तो तुमने तो आंसर दिया ऑलरेडी आई थिंक। गौरी आंसर दो बेटे। सर स्केलर, दोनों स्केलर। यस सर। चलो ठीक है, बिल्कुल सही, वर्क और एनर्जी स्केलर हो गया। ठीक है, आई थिंक विद दैट वी ऑलमोस्ट कम टू द एंड ऑफ 9th। थोड़े बहुत और सीखा होगा शायद तुम लोगों ने, दैट इज फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड ऑल। तो जैसे फ्रीक्वेंसी होता है स्केलर, वेवलेंथ तो भी स्केलर, तो ये सब सारे मुश्किल स्केलर। अब आ जाओ क्लास 10,
क्लास टेंथ में तुम लोगों ने सीखा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, वोल्टेज, करंट। तो मनन शुरू करो बेटे। रेजिस्टेंस स्केलर और हाँ फिर शुरू कर दो, मैं लिखता जाऊंगा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, वोल्टेज, करंट, बता दो बड़ा बड़ा। वोल्टेज वेक्टर होती है। ओके और गौरी कुछ करेक्शन करना चाहोगे? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, वोल्टेज, करंट। करंट स्केलर। कौन सा स्केलर? सारे करंट। करंट स्केलर हो गया। वोल्टेज वैसे एक और छूट गया, चार्ज, चार्ज भी है। चलो मुझे लग रहा है हल्का सा डाउट है शायद इन क्वांटिटी। ऑल स्केलर होगा शायद। कौन सा स्केलर है बेटे? ऑल स्केलर। ऑल स्केलर, चलो ठीक है, दैट्स अ गुड आंसर। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, हल्का सा मॉडिफाई करूंगा, सुन लो। देखो चार्ज स्केलर है, रेजिस्टिविटी स्केलर है, ठीक है, वोल्टेज स्केलर है, ये सब स्केलर है। करंट थोड़ा सा अलग टाइप का है। अब मैं छुपा के आगे बढ़ सकता था लेकिन मैं छुपाऊंगा नहीं, करंट एक्चुअली एक तीसरा कैटेगरी पे बिलोंग करता है। एक्चुअली साइंटिस्टों ने जब कैटेगराइज किया ना क्वांटिटीज को, तो दो में नहीं तीन में कैटेगराइज किया, स्केलर, वेक्टर और एक और है उसको बोलते हैं टेंसर। लेकिन अभी ये मत पूछना टेंसर क्या, ये आउट ऑफ सिलेबस है, जस्ट फॉर योर नॉलेज बता देता हूँ, अभी इसको ज्यादा सीरियसली मत लो। बट मैं गलत आंसर भी नहीं देना चाह रहा था, अदरवाइज जनरली करंट को हम लोग स्केलर में डाल देते, ठीक है ना, बट हम स्केलर में नहीं डाल रहे, एक्चुअली इट्स अ टेंसर। तो दिस इज एक्चुअली थर्ड कैटेगरी, इसमें ज्यादा क्वांटिटीज नहीं है, बहुत कम है। जैसे टेंसर में आता है करंट, फिर प्रेशर, इस तरीके कुछ क्वांटिटीज आते हैं, बहुत कम है, इक्का दुक्का ही है, बट चलो कोई नहीं, एटलीस्ट मैंने बता दिया। तो वेक्टर में ये सारे आ गए और ये स्केलर में। इसके बाद आता है मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, पढ़ा ना तुम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन एक और तुम लोगों ने शायद पढ़ा है और वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मुझे नहीं पता ये सब सारे वर्ड्स तुम लोगों ने अच्छे से सुना है नहीं सुना है, बट आई एम श्योर क्लास टेंथ के इसमें डिस्कशन में आता रहता है, तो आई होप यू हैव हर्ड इट। तो चलो सुनो ना सुनो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सारा डिटेल्स हमें एनीवे क्लास 11th और 12th में करना ही, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, और ये हो गया वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके अलावा ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब स्केलर है। इनफैक्ट वेक्टर बहुत कम क्वांटिटीज है, फिजिक्स में ज्यादातर क्वांटिटी स्केलर्स ही है, इसलिए फिजिक्स में भी ज्यादातर केस में 8+6=14 ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां जहां क्वांटिटीज वेक्टर्स है वहां पे 8+6=2 क्या होगा मुझे नहीं पता, ये डिपेंड करेगा कि उनके डायरेक्शंस क्या क्या है, इट विल बी प्योरली डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन, ठीक है। चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। अच्छा अब आते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है, कि हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करें। सबसे पहली बात तो वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं बाय ड्राइंग अ डायग्राम, जैसे ये डायग्राम इसको दो तरीके से लिखते हैं, कई बार एक ही अल्फाबेट से लिखते हैं, जनरली छोटा अल्फाबेट, बड़ा भी यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये, और अगर वेक्टर है तो उसके ऊपर हम लोग एक एरो बनाते हैं, हो गया ए वेक्टर। कई बार दो अल्फाबेट्स भी यूज करते हैं, जैसे यानी इसको हम ए वेक्टर भी लिख सकते हैं और नहीं तो पी क्यू वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही चलता है। मतलब ध्यान रखना क्यूपी वेक्टर मत लिख देना, पी क्यू एरो वाला बाद में होना चाहिए, क्योंकि क्यूपी का मतलब फिर उल्टा डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। इनफैक्ट वेक्टर में पता है क्या लिखा जाता है कि पी क्यू वेक्टर
इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू पी वैक्टर. इसका मतलब क्या है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है. पी क्यू मतलब हो गया पी से क्यू डायरेक्शन में, और क्यू पी मतलब हो गया क्यू से पी डायरेक्शन. तो ऑपोजिट ही तो हुआ ना, इसलिए माइनस लिख के छोड़ देते हैं कि ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो गया, सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है. हो गया. अच्छा, एक वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है कैसे बताऊं, तो उसके लिए उन्होंने कन्वेंशन बनाया. तो आज हम लोग सीखेंगे अबाउट 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. से 2D आपने क्यों बोला, क्योंकि ये जो वेक्टर्स मैं ड्रॉ करूंगा वो ऑब्वियसली बोर्ड के प्लेन के ऊपर होगा, तो प्लेन होता है 2D. नाउ इज देयर अ 3D आल्सो? यस. 3D कैसे होगा, स्पेस में ऐसे तिरछा, जैसा आउट ऑफ द बोर्ड काइंड ऑफ ट्रायंगल पे, या इनटू द बोर्ड काइंड ऑफ ट्रायंगल पे, ये हो जाता है 3D. तो आज हम लोग 3D नहीं, आज हम लोग सिर्फ 2D पे फोकस करेंगे. तो लेट्स सी हाउ डू वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स इन 2D. मैं एक एग्जांपल लूंगा, मतलब एक एग्जांपल बताऊंगा, और उस एग्जांपल के बेसिस पे सीख के तुम लोग बाकियों का आंसर करो. ठीक है. व्हाट इज द कन्वेंशन, तो 2D रिप्रेजेंटेशन में होता है ए वेक्टर एग्जांपल इज इक्वल टू ब्रैकेट डालते हैं हम लोग, फिर इसका वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड. ठीक है. फिर है यूनिट कॉमा थीटा. तो व्हाट डू मीन बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑलवेज पॉजिटिव. ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव. उसके बाद यूनिट, इनफैक्ट यूनिट ही तो वेक्टर का पहचान है ना. और थीटा, नाउ व्हाट डू मीन बाय थीटा, थीटा इज द एंगल इसको अच्छे से नोट कर लो. थीटा इज द एंगल विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अब मैं एक एग्जांपल लूंगा और इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन करेंगे. एक कन्वेंशन और भी है, इज दैट थीटा क्या है, द एंगल विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस. लेकिन एंगल में प्लस साइन लगता है, कभी कभी माइनस भी लगता है. कैसे, एंगल अगर इधर से मेजर करते हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है और इसको प्लस मानते हैं, लेकिन अगर एंगल इधर से मेजर करोगे तो ये क्लॉकवाइज होता है तो इसको नेगेटिव मानते हैं. अब वो तो डिपेंड करता है कि तुम एंगल एंटी क्लॉकवाइज में जाके मेजर किया या क्लॉकवाइज में जाके मेजर. चलो जैसे होगा वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया. लेट अस से ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री और ये दिया हुआ है 10 मीटर्स. तो बताओ ये कौन सा वेक्टर हुआ. तो अब मैं चार्ट पूछू, वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंगल एंड इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव एंगल. ठीक है. आई होप ये नोट कर चुके होंगे, क्योंकि जगह घेर रहा है तो मैं इसको मिटाऊंगा. Yes, sir. अब एक काम करो, मैं इसका आंसर बताता हूं और आप बाकियों का पूछूंगा. सबसे पहले मनन बताओ, बेटे मनन बताओ कि ए वेक्टर कौन से टाइप का वेक्टर है. मनन बताओ बेटे, ए वेक्टर कौन से टाइप का वेक्टर है. Yes, मैग्नीट्यूड यूनिट. नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और था, यानी कौन से क्वांटिटी है. तो ये कैसे पता चलेगा, मैंने क्या बोला, वेक्टर का पहचान उसके यूनिट से होता है. यूनिट क्या है, मीटर. मीटर का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट. तो मैं क्वांटिटी में लिखूंगा, वेक्टर में ए वेक्टर क्वांटिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट. अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ना, अगर पॉजिटिव एंगल में करोगे तो क्या करना, 10 मीटर कॉमा इधर से कौन सा एंगल, पॉजिटिव एंगल कितना है 40 डिग्री, यानी 10 मीटर कॉमा 40 डिग्री. ठीक है ना.
एक सेकंड रुक जाओ जरा, अब आ रहे हैं एक और आज ना सर। अब देखो ये तो हो गया 10 मीटर कॉमा 40 डिग्री, लेकिन माइनस एंगल पे अगर करना चाहते हो इधर से क्या हो जाएगा 90, 180, 270 और इधर से कितना होगा 50 यानी 320, यानी एक और आंसर हो जाता है 10 मीटर कॉमा माइनस ऑफ 320 डिग्री। क्लियर हो गया ना, 10 मीटर कॉमा माइनस ऑफ 320 डिग्री, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब मैं फटाफट दो तीन और दे रहा हूं, इनको जल्दी से चार्ट कंप्लीट करो। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करना है तो जल्दी जल्दी करो। बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। प्रणवी ये वाला पार्ट तुमने ऑलरेडी कर रखे हैं, बट इसको भी कंप्लीट करो फटाफट, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी करो। ओके सर। चलो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद वेक्टर बी। बी का आंसर देंगे गौरी, बी का आंसर देना शुरू करो बेटे। बी यहाँ पे क्या होगा? फोर्स। फोर्स और ये 20 न्यूटन कॉमा 120। एकदम सही है। नाउ डोंट टेल मी, आई मीन अगर किसी ने गलत आंसर किया है तो आई होप एवरीबडी हैज डन इट करेक्टली, फिर भी डोंट टेल मी कि तो आपने तो 30 डिग्री लिखा है। देखो मैंने क्या लिखा है ये मैंने नहीं पूछा है, मैंने पूछा है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने का एंगल, और वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कलेक्ट होगा यानी कैलकुलेट होगा। तो यहां से 90 प्लस 30 यानी 120 हो गया, ये हो गया पॉजिटिव एंगल। और अगर नेगेटिव एंगल करेंगे तो फिर इधर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी 360 में से 120 माइनस करके 240 बनता है, और इधर से इसलिए माइनस 240 यानी हो जाएगा 20 न्यूटन माइनस ऑफ 240। चलो ठीक है, सी वेक्टर प्रणवी तुम बेटा सी वेक्टर के बारे में बताओ। यस सर। सर सी वेक्टर इज वेलोसिटी सर, 30 मीटर पर सेकंड और 200 डिग्री एंड सर 30 मीटर पर सेकंड एंड -160। बिल्कुल सही। डी वेक्टर मनन, डी वेक्टर समझ नहीं आ रहा समझ। ये अभी तक जो मैंने बी और सी बताया समझ आया सर? फोर्स और वेलोसिटी कैसे हुआ? न्यूटन किसका यूनिट है? अच्छा, अब समझ आया ना मैंने क्या बोला था कि वेक्टर का पहचान क्या है, उसका यूनिट है। अगर तुम इसको छुपा दो और फिर मेरे से पूछो कि ये क्या है तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, और जैसे यूनिट दिख गया तो पता चल गया फोर्स है, जैसे यूनिट दिख गया मीटर पर सेकेंड तो पता चल गया वेलोसिटी। अब क्लियर हो गया? सर ये क्लियर हो गया। और वो डिग्री कैसे है? नहीं वो डिग्री तो इसलिए देखो, अगर मान लो बी वेक्टर का देख रहे हो तो देखो ये 90 और 30 120 हुआ। यस सर। क्योंकि हमें हमेशा एक्स एक्सिस से साथ एंगल बताना है, तो बी वेक्टर का अगर बताना है तो ये वाला एंगल बताना है, अगर सी वेक्टर का बताना है तो ये वाला एंगल बताना है पूरा। ये पॉजिटिव वाला हो गया, और नेगेटिव वाले के लिए क्या करो 360 में से माइनस कर दो, है ना। एक का एंगल अगर इतना होता है तो दूसरे के को 360 माइनस करके
और एक माइनस साइन डाल देना. अभी क्लियर हो गया ये दोनों? यस सर. चलो ठीक है, आप डी वेक्टर का तुम ट्राई करो बेटे. पहले तो बताओ कौन सा क्वांटिटी है. मैं थोड़ा हिंट देता हूं, मास मीटर पर सेकंड हो गया वेलोसिटी और केजी मास, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है? मोमेंटम. बस इतना इजी है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है. यानी ये हो गया मोमेंटम. अब इसका रिप्रेजेंटेशन बताओ. 40 केजी मीटर पर सेकंड कॉमा बोलो. ये पूरा एंगल करना पड़ेगा यहां से लेके पूरा यहां तक, तो कितना होगा? देखो अगर इधर से 10 हुआ तो उधर से तो 350 होगा ना, कि दोनों मिला के तो 360 होना है. तो yes. 350 डिग्री. और दूसरा क्या होगा? 40 मीटर पर सेकेंड कॉमा 10 मतलब माइनस टेन डिग्री. बस दैट्स एकदम परफेक्ट हो गया. चलो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, चलो लेट्स नाउ प्रोसीड. अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर वेक्टर को ऐड करना होता है तो उसका मैथमेटिक्स क्या हो. जैसे इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ. मतलब क्या? अभी मैंने बताया था ना कि अगर मान लो तुम 10 मीटर जाते हो फिर 8 मीटर जाते हो तो उसका आंसर मुझे नहीं पता श्योरली, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए लिख दिया ए. तो सपोज मैं ए मीटर गया और फिर मैं बी मीटर गया एट सपोज एंगल ऑफ थीटा, तो क्या होगा? एक्चुअली तो मैं ये गया ना, हम इसको लिखते हैं कैसे? हम लिखेंगे सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ. क्यों? इसका फिगर ट्रायंगल शेप का बनता है, इसलिए ट्रायंगल लॉ. ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूं कि सी है कितना, तो कैसे निकाले? तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं. ये हो गया कंस्ट्रक्शन और मैं इसको लिख देता हूं एज एक्स, इसको लिख देता हूं एज वाई. देखो अभी कुछ ही दिन हुआ है तुम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिया है और अभी तो बोर्ड एग्जाम्स भी देना है, तो तुम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री सारा अच्छे से याद है. तो देखोर मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय बी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज बी है इसमें. और सिमिलरली साइन थीटा क्या होगा? वाई बाय बी. यानी इससे ये पता चल रहा है कि एक्स इक्वल टू बी कॉस थीटा और ये पता चल रहा है कि वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा. नाउ यू माइट से आपको तो सी निकालना था, ये क्या परपेंडिकुलर ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करना चाह रहा हूं. जरा देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखो, तो कैन आई राइट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर? है ना, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स बी कॉस थीटा. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटे. सर मैंने ये पार्ट अटेंड किया तो मेरी एक और मैथ क्लास चल रही है, तो मैं वो अटेंड कर लूं? हाँ, वो मैंने तुमको बोला था ना कि तुम मैथ्स कर लो, अगर तुमको रिवीजन चाहिए तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत. ओके ठीक है ना, मैं तुमको फिर वो नोटिफिकेशन में कल दे दूंगा. ठीक है ना? ओके ओके सर. हाँ ठीक है. और मुझे तो तुमने भेज दिया ना मैथ्स क्लास का शेड्यूल? यस सर, भेज दिया. मैं व्हाट्सएप कर दिया था ना तुमने? यस सर. चलो ठीक है, यू कैन मेक, नो प्रॉब्लम. प्लस वाई हो गया कितना ना, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर. एक्चुअली ये लोग ना फर्स्ट क्लास ऑफलाइन अटेंड कर चुके हैं. चलो एनीवे, तो ये आ गया, तो यानी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा.
जय बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? वन। बस तो बी स्क्वायर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, वन आ जाएगा, नहीं बी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ c is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। ये हो गया वेक्टर एडिशन का प्राइमरी, ये होता है वेक्टर एडिशन, और कुछ ठीक है ना? चलो इसको नोट कर लो फटाफट। अब हो सकता है कहीं ने इसको ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया, पता चल गया। यानी दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो इतना आसान नहीं है, इसमें स्क्वायर करो टू से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालो, और साथ में अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, और फिर लास्ट में अंडर रूट करना पड़ता है। अब देखो कितना यू नो डिफिकल्ट होता है एडिशन। नाउ यू माइट से फिर वो जो 8 प्लस इक्वल टू 14 तो बहुत आसान है, जो हम लोग स्केलर एडिशन करते थे या सीखे अभी तक वो तो बहुत ही आसान है। द स्केलर एडिशन इज एक्चुअली अ स्पेशल केस इफ थीटा इज इक्वल टू 0। यानी स्केलर एडिशन ये हो गया वेक्टर, ये जो आंसर है ये वेक्टर एडिशन का, और स्केलर एडिशन क्या है फिर? इट्स अ स्पेशल केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 हो जाए तो कॉस 0 कितना होगा? 1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इनटू 1। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना? Then c is equal to under root of a square plus b square plus 2 into ab into 1, yani equal to under root of a plus b ka whole square, yani equal to a plus b. Wahi ho gaya ki 8 plus 6 equal to c, yani 14 ho jayega. To ye hota hai scalar addition. Yani agar main tumse aap puchunga ki addition ka matlab kya samajhte ho, to addition abhi ye nahi hai, एडिशन ऑफ। हाँ, ज्यादातर केस में अभी तक हम लोगों ने ये चीज यूज किया ही नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली अभी तक जो एडिशन सीखा है उसमें वेक्टर एडिशन सीखा ही नहीं था। अब जाके वेक्टर एडिशन पता चल गया, तो इन फ्यूचर जब भी एडिशन करेंगे तो हम एडिशन का आंसर नहीं देंगे, सबसे पहले पूछेंगे कि हमें वेक्टर एडिशन करना है या हमें स्केल एडिशन करना है। अगर स्केल एडिशन करना है 2 सेकंड में आंसर दे दो, वेक्टर एडिशन करना है इन दैट केस लंबा प्रोसेस है। अब वो तो डिपेंड करता है कितना कैलकुलेशंस होगा, विल डिपेंड ऑन कि स्क्वायर रूट कैसे है, कॉस थीटा कैसे है, अच्छा है या कोई नोन एंगल है, नहीं है, लॉट ऑफ थिंग्स है या नहीं। चलो तो दैट वाज द समरी ऑफ हाउ डू वी ऐड टू वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है? चलो आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन, और कईयों का आता ही होगा तो इसको बड़े-बड़े नोट कर लो, मैं 10-20 सेकंड वेट कर लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते। सबने नोट कर लिया इसको? यस सर। चलो ठीक, लेट्स प्रोसीड। अब आज मैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, इसके ऊपर आप मैं क्वेश्चन दूंगा। क्या सपोज मैं कहता हूं कि मैंने, मेरे पास एक मास है 4 kg का, और उसके ऊपर दो फोर्सेस लगाए गए, एक है 20 न्यूटन और एक है 40 न्यूटन और एंगल है 60 डिग्री, ठीक है? इनिशियली ये जो मास है इसके ऊपर दो फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, और ये मास इनिशियली एट रेस्ट है, तो वो है 4 kg। अब इसका फोर्स यू नो दिया गया, क्वेश्चन सुनो, फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट इन 4 seconds।
find the displacement in 4 seconds. Chalo, that's the question for you. Go ahead. 1 minute ka time dunga. Uske baad main discuss karu. Chalo, start karo. Manan, answer aaya bete kuch? No, sir. Aaja, chalo, theek hai. Jay, have you tried? सर ट्राई कैसे नहीं हो रहा आज. चलो कोई बात नहीं, मैं भी बताऊंगा. गौरी सर, इसके अंदर पहले तो डिस्प्लेसमेंट मतलब जो निकाली उसमें, तो वो सर रूट्स में आ रहा है, 20√7 तो पहले वो आ गया न्यूटन में. नहीं, डोंट गेट वरीड, रूट में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए घबराओ मत. क्या आंसर आ रहा है रूट में? रूट में मतलब 20√7 न्यूटन आ गया. ना ना ना, मैंने तो डिस्प्लेसमेंट पूछा. देखो, हो सकता है तुमने जो आंसर दिया वो करेक्ट होगा, लेकिन मैंने वो पूछा नहीं है ना, मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट. बट आई थिंक जो तुमने सॉल्व किया ना, वो दैट्स लाइक गोइंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. चलो कोई बात. देखो, कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डेवलप करो. दोबारा सुनो अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अच्छे से थॉट प्रोसेस डेवलप करो. क्वेश्चन में क्या दिया है? फोर्स दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, और पूछा क्या जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए? तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है S is equal to ut plus half at square. ये सब लोग जानते हो. और ऊपर से देखो क्या दिया हुआ है, इनिशियली एट रेस्ट, यानी u जीरो हो गया, यानी ये तो मामला खत्म. यानी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हाफ ए टी स्क्वायर, टी दे रखा है देखो 4 seconds, यानी इज इक्वल टू हाफ ए, पता नहीं लेकिन t दिया हुआ है 4 seconds, तो यानी 4 का स्क्वायर. यानी अब देखो हमारा दिमाग कैसे काम करना चाहिए कि अब मेरा डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या आएगा ना, 8 into a, यानी अब मुझे किसी तरीके से एक्सेलरेशन निकालना है. हो गया ना? चलो यहां तक दिमाग काम कर रहा है. अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? हमें पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एफ बाई एम. M दे रखा है, ये लो जी 4 kg, यानी इक्वल टू F by 4. हो गया? अब F by 4 पे यहां पुट कर देता हूं. So therefore displacement is equal to AT, और A हो गया F by 4. Now you might say कि अरे ये क्या चक्कर है, इधर तो displacement मीटर में है और ये तो फोर्स तो न्यूटन में है ना. देखो यहाँ पे यूनिट को मैच मत कराओ. यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट टू का वैल्यू फोर्स के वैल्यू के दुगना होंगे. बस दैट्स इट. अब फोर्स क्या है? फोर्स एक नहीं है, दो है, तो यानी हमें दोनों को ऐड करके टोटल फोर्स निकालना पड़ता है, क्योंकि ये जो फोर्स होता है ना, दिस इज द टोटल फोर्स, यानी नेट फोर्स. यानी अगर एक से ज्यादा फोर्स ऐड कर रहा है, यानी उसके लिए हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा. अब हमें F निकालने के लिए वेक्टर एडिशन, जो हमने अभी तक सीखा था, कैसे एडिशन करें ना, F is equal to, अभी मैंने क्या बताया था, a square plus b square plus 2ab cos theta, तो a square मतलब 20 का square, plus b square मतलब 40 का square, plus 2ab into cos theta. ये थीटा क्या है ना, अब मैंने वहां पे लिखवाना भूल गया, बट आई होप यू मस्ट हैव नोटेड इट डाउन और दिमाग में रजिस्टर हो गया होगा. मैं अभी लिख देता हूँ. ये ना जहां पे मैंने डेरिवेशन किया था ना, a square plus b square plus 2ab cos theta under root, उसी में आसपास कहीं लिख लेना, ठीक है ना. थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. अगर दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, उनके बीच के जो एंगल होता है वो होता है थीटा. तो क्या होगा? cos 60 degree. cos 60 degree, आई होप यू रिमेम्बर, उसका वैल्यू होता है हाफ. तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, चलो, ठीक है ना. तो इससे 2 कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर है. तो एक काम करे, 10 कॉमन लेके बाहर निकाल दो, तो ये क्या रहेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 into 4 8, तो हो गया 16 plus 8 24 plus 4 28, यानी इक्वल टू
10 root 28 is equal to root 28 होता 4 into 7, 4 बाहर आ सकता है, यानी 20 root 7. यानी गौरी तुमने जो आंसर बताया वो आंसर सही है, लेकिन किस चीज का आंसर सही है? रिजल्टेंट यानी नेट फोर्स, उसको हम लोग रिजल्टेंट वर्ड यूज करते हैं. आज मैंने सारा कुछ नहीं बताया, आज इतना ही खत्म करेंगे, बट अगले दिन थोड़ा और वर्ड्स में यूज करूंगा, नए नए वर्ड्स, कोई नया चीज नहीं समझाऊंगा बट नए नए वर्ड्स यूज करेंगे, इनके लिए यूज किया जाता है. चलो कोई बात नहीं, अभी वर्ड्स छोड़ दो, अभी कंसेप्ट को समझो. यानी ये दोनों फोर्स मिला के कितना फोर्स बना? 20 रूट 7. डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या है? 2 टाइम्स एफ. देयरफॉर अब आ गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 इंटू एफ. एफ मतलब क्या हो गया? 20 रूट 7. ठीक है, तो अगर मैं पूछूंगा बताओ डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा, आंसर कितना आ गया? 40 रूट 7. अब मैंने क्या क्या देखो, सबसे पहले मैंने दिमाग लगाया कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो उसमें मुझे पता चला कि मुझे एक्सेलेरेशन चाहिए. फिर मैंने दिमाग लगाया कि एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है, ना फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो यानी फोर्स और मास चाहिए. फोर्स के लिए एक नहीं दो दो फोर्स है, यानी हमें इनको वेक्टर ऐड करके नेट फोर्स निकालना होगा, और मास तो दिया ही है, तो देयरफॉर अब सारा स्कीम इकट्ठे आ गए और एक के बाद एक स्टेप होता गया और आंसर आ गया 40 रूट 7. मनन आप समझ में आ गए बेटे 40 रूट 7 कैसा है? यस सर. ठीक है गौरी, अब क्लियर हो गया ना कि तुमने यहां तक जो निकाला था वो सही था? सर यहां तक, उसके बाद बस थोड़ा सा आगे करना था, उसके बाद आंसर आ जाए. गौरी क्लियर है? यस सर. जय, स्टेप सारे ओके हैं? यस सर. चलो ठीक है, आज हम लोग ज्यादा एग्जांपल नहीं करेंगे, आज बस एक ही एग्जांपल से मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश किया या दिखाने की कोशिश किया कि वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है और इसका यूज क्या है. लेकिन ध्यान रखना, ये जो आज मैंने क्वेश्चन कराया ये अभी भी इनकम्प्लीट है. वैसे क्यों, आपने कंप्लीट तो कर दिया? नहीं, अभी भी इनकम्प्लीट है. इसका एक दूसरा पहलू भी है जो कि आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं चाह रहा हूं मैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज डायरेक्शन. डायरेक्शन कहां बताए? डायरेक्शन का जरूरत ही क्या? बिल्कुल जरूरत है. क्यों? क्योंकि मैंने पूछा क्या, मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट. कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर पूछा जा रहा है, इन दैट केस उसके डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, बट मैंने आज उसका अवॉइड कर दिया. मैं करो डायरेक्शन के ऊपर डिस्कशन हम लोग और अच्छे से करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक जो है एक बार इसको और थोरली स्टडी कर लो और फिर ये. अच्छा, इन द मीनवाइल मैं एक दो चीज और बता देता हूँ, इज दैट ये जो लर्निंग ऐप है इसके अंदर इंक्लूड करने के लिए मैं सजेस्ट ये करूंगा कि मुझे ना 3 नंबर्स दे देना, और नंबर्स जब भेजोगे तो एक तो स्टूडेंट नेम बता देना और कौन सा नंबर. मैं बताता हूँ इसका प्रोसेस क्या है. ये नंबर मैं बैच में डालूंगा, तो जैसे तुम इंस्टॉल करोगे ना ऐप को, अभी इंस्टॉल मत करना, मैं जब बताऊंगा तभी इंस्टॉल करो. जब भी ऐप को इंस्टॉल करोगे देखना वो स्टूडेंट नंबर को डायरेक्टली ले, और फिर फादर्स नेम और फिर फोन नंबर और फिर मदर्स नेम और फिर नंबर, तो ये 3 नंबर भेज देना सो दैट आई कैन इंस्टॉल यू नो इन द बैच इन द ऐप. और फिर उससे क्या होगा कि जैसे आज का लेक्चर है ये मैं अभी स्टोर कर दूंगा, तो ये तुमको जो है देखो तुमने जो क्वेश्चन पूछा वो अच्छा है. व्हाट यू आर आस्किंग इज कि डायरेक्शन का क्या होगा. देखो जरा ध्यान से सुनो, ये जो मास है ये ना इधर जाएंगे और ना ही इधर जाएंगे. देखना ये मास इधर कहीं जाएंगे, ये तो डायरेक्शन चाहिए ना. हाँ 60 डिग्री दिया तो है क्वेश्चन में, लेकिन 60 डिग्री क्या दिया, ये इस फोर्स का डायरेक्शन दे रखा, लेकिन ये मास ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, बीच में से निकलेंगे ना, है ना, और वो देखना ऐसे करके जाएंगे. अब वो नहीं पता कौन सा एंगल है, वो एंगल हमें फाइंड करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी फॉर्मूला डायरेक्ट है. मैं अभी फॉर्मूला दिया नहीं हूं, बट फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर आ जाता है. मैं इसका इनफैक्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ. ये देखो कई बार ना साइंस हम लोग कहाँ कहाँ यूज करना होता है. एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ. केरला में जो लेग्यून्स होते हैं, जो एकदम समुद्र के आसपास होते हैं, वहां पे देखना छोटे छोटे नदियों के स्ट्रीम्स होते हैं, बैकवाटर्स कहते हैं इसमें. उसमें सामान पहुंचाने का तरीका पता क्या होता है, मैं बताता हूँ. देखो मान लो ये नदी है, अब भारी भारी सामान वहां पे ना, कोई रोड वोड कुछ नहीं है, वहां पे नदी टाइप के है, ये मान लो छोटे छोटे नदी, पतले पतले नदी,
मतलब मुश्किल से 8-10 फीट का नदी होगा, कोई वैसे नहीं। तो यहाँ पे बोट रहता है और इस पे सामान वहां लगते हैं, सामान और रखते हैं। एक बंदा वो ऐसे रस्सी को खींचता, ठीक है, और एक बंदा ऐसे रस्सी को खींचता, ठीक है। देख रहे हो क्या हो रहा है, बीच में नदी है, एक बंदा रस्सी को इधर खींच रहा है, एक बंदा रस्सी को इधर खींच रहा है, और एक फोर्स इधर हो गया इसका मतलब, और एक फोर्स इधर हो गया। अब देखना नदी के बीच में से ये निकलेंगे, यानी ये जो बोट है, ये बोट ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, बोट देखना बीचों बीच निकलेगा, ठीक है ना। ये नदी के ऊपर से जाएंगे, ये पानी है पूरा, ये चीज हो गया। यानी देख रहे हो ये दोनों बंदे हो सकते कि अनपढ़ होंगे, इलिटरेट होंगे, लेकिन ये दोनों प्रैक्टिकली, जो मैंने ये क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली यूज कर रहे और डेली यूज करते हूँ, क्योंकि इनका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना। वहां पे रोड तो है नहीं और छोटे छोटे नदियां हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे खींच खींच के ले जाते हैं। तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ साइंस अगर लैंग्वेज देखा जाए तो एक फोर्स इधर, यानी दोनों का इफेक्ट बीच में से कहीं से होता है। ये मैंने इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताया। तो देखो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होगा, ये बीच में से निकलेंगे, पता नहीं कहाँ निकलेंगे, उसके डायरेक्शन का एंगल निकालना होता है, लेकिन उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है मैंने आज दिया नहीं है, क्योंकि थोड़ा लंबा डिस्कशन हो जाता, तो अगले क्लास में इसका मैं फॉर्मूला दे दूंगा, ठीक है ना। हो सकता है तुम लोगों ने पढ़ भी रखे होंगे, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल फॉर्मूला है, मैं दे दूंगा, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन है सर? और अगर ऑफलाइन करें तो ऑफलाइन की डेज बता दो। नहीं, ऑफलाइन कौन से सेक्टर, सेक्टर 17 या 85? 17, ठीक है। तो 17 में रखूंगा ट्यूसडे, थर्सडे और संडे। ओके सर, ठीक है ना। ये ना थोड़ा सा भी हफ्ता 10 दिन चलने दो, क्योंकि अभी तो देखो एक महीने क्लास होगा उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर तुम लोग बोर्ड्स दोगे, तो जो फाइनल शेड्यूल होगा ना वो बोर्ड्स के बाद ही हो पाएगा। इन द मीनवाइल एक महीने के लिए तो जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन करना ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन कर लो, इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद वाले में आई वुड सजेस्ट कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ऑफलाइन ही करो, ठीक है। चलो एनीवे आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मैं नोटिफिकेशन कल परसों दे दूं, ठीक है। चलो ओके, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।